दुमका है, दुमका। वैसे तो मैं आचार संहिता के लिए आया, लेकिन लगातार मेरी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व और दुमका के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, और जो मुझे संभावना दिख रही कि दुमका विधानसभा में जो है फिर से एक बार चुनाव आने वाला, उपचुनाव की संभावनाएं जो है दुमका में बढ़ गई। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद बढ़ा, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण यही दुमका है। पिछले 40-42 साल से एक ही परिवार इस दुमका में प्रभावी है। पिताजी सांसद हैं तो बेटा विधायक है, वाइफ जो है एमएलए है, बेटा एमएलए है तो बेटे की वाइफ भी एमएलए है। इस दुमका में जो है कभी भी एक परिवार के बाहर राजनीति नहीं जाती, और जब एक परिवार राजतंत्र की तरह प्रभावी होता है तो वो गलतियां करता है। वो गलतियां ये करता है कि उसको लगता है कि ये प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और राजतंत्र में जो राजा ने फैसला कर लिया वही सही, और मुझे लगता है कि उसी की परिणति है कि जहाँ तक मुझे संभावना दिखाई दे रही है, अब कल क्या होगा वो माननीय चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन चुनाव आयोग में जो हमारा केस है, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर गए हैं और जो कानून के सलाहकार अपने को जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमको लगता है कि संथाल परिणाम में दो चुनाव, बरहेट और दुमका, वो आने ही वाला, और वो आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये केस है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको आज से ही इसके तैयारी में लग जाना चाहिए। आएगा नहीं आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना जो दिखाई देती है कि वो आ रहा है। उस कारण से मैंने सभी को आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दुमका के लोगों को भी, बरहेट के लोगों को भी, कि इस बार मौका है आपके पास कि इस राजतंत्र को उखाड़ फेंके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।